दोस्तों, ये वीडियो उन सब के लिए है जो गुलाब की कटिंग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, जिनको सक्सेस रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक बने रहें और आपको सारा समझ में आ जाएगा। स्वागत है आपका हम प्लांट चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुलाब को हम किस तरीके से 3 मीडिया में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने फर्स्ट में लिया हुआ है सैंड, ये आप रिवर सैंड कह सकते हैं इसे। और ये पहाड़ों के अंदर जो दरिया के अंदर हमें जो सैंड मिलती है, ये वो सैंड है और ये बहुत ही कटिंग के लिए बेनिफिशियल होती है। इसमें कटिंग इजीली ग्रो हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती है। अगर आपने इस रिवर सैंड को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ये सिल्क से बिल्कुल ही सिल्की और सॉफ्ट होती है। अब सेकंड नंबर पे जो हमारे पास मिक्सचर है, ये है फ्रेंड कोकोपीट, जो नारियल के छिलके होते हैं उनको ग्राइंड करने के बाद उनमें से जो रेशे निकलते हैं छोटे छोटे, ये वो होता है। तो दोस्तों, ये कुछ इस सिल्क से होती है और ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट के वजह से ही इसमें रूट्स इजीली डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पे हमने 2 ग्लासेस में कोकोपीट ली हुई है। और थर्ड नंबर पे जो हमारे पास फ्रेंड ये है, गार्डन सोयल, सैंड, कोकोपीट, कंपोस्ट, नीमकली, 4-5 ऐसे मटेरियल हमने मिक्सअप करके एक सोयल मीडिया रेडी किया है। ये बहुत ही, और आप ऐसा कौन सा मीडिया यूज़ कर सकते हैं जिसमें जो आपकी कटिंग है वो ईज़िली डेवलप हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक रोज़ की कटिंग ले ली है, फ्रेश रोज़ है और ये स्टेम भी छोटी ली हुई है। छोटी स्टेम इस वजह से ली हुई है, इसमें जो नूड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हर लीव के अंदर एक नूड है और आप चाहे तो छोटी पतली जो भी स्टेम आपके पास है आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो नूड्स होते हैं इससे ये बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में होते हैं। तो इस तरीके से हमने ये छोटी कटिंग ली हुई है। कटिंग को हम कटर के हेल्प से कट कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने कुछ कटिंग्स ले ली है, आप देख पा रहे हैं ये कटिंग्स है और इन कटिंग्स के अंदर हम ग्रो करने जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको जो कट लगाना है वो तिरछा कट लगाना है। तो कटिंग जो हमने ली हुई है वो कुछ इतनी साइज ली हुई है और इससे बड़ी नहीं है, आप अपने हाथ से माप सकते हैं कटिंग्स को। अब हम हर एक ग्लास के अंदर 2-2 कटिंग्स लगाएंगे। इस तरीके से हम वाटर कर देंगे। वाटर करने के बाद हम इसे सेमी शेड में रखेंगे और प्लास्टिक कवर करके रखेंगे और देखेंगे 20 दिन के बाद का रिज़ल्ट। 20 दिन प्लास्टिक में रहने से हमें इसे वाटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जो ग्रोथ है वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3 मंथ के अंदर बहुत ही ज़्यादा होती है। आप इन 3 मंथ के अंदर किसी भी टाइम कटिंग लगा सकते हैं। अगर इसे पॉलीथीन के अंदर आप रखते हैं तो आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा। अगर आप ऐसे खुले में रखते हैं जहाँ पे हवा वगैरह लगती है, ठंड लगती है, ओस पड़ती है, तो कटिंग के जो सर्वाइव चांस है, आप बिगनर हैं तो आपसे 40-50% लगभग होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप बिगनर है पॉलीथीन के अंदर रखते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको 100% मिलेगा। तो इन 3 मीडिया के अंदर का जो रिज़ल्ट है मैं आपको दिखाऊंगा, आप भी इसी से 3 मीडिया के अंदर रिज़ल्ट यूज़ कर सकते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड, आज इसे लगाए हुए 25 दिन हो चुके हैं। दोस्तों, 20 से 25 दिनों के अंदर इनकी पूरी रूट्स जो लगभग है वो आना या शो होना शुरू हो जाए। दिखाता हूँ आपको सेंट का रिज़ल्ट। दोस्तों, ये सेंट है, सेंट जो हमारी रेत होती है जिसे हम भालू कहते हैं, ये उसका रिज़ल्ट है। इसमें कोई डेड वगैरह नहीं हुई है हमारी इस टाइम, लेकिन इसमें जो रूट सिस्टम है वो थोड़ा सा लेट डेवलप हुआ है। रूट आ तो चुकी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी इसकी एक रूट डेवलप हो चुकी है, ये एक रूट, और यहाँ पे भी एक वाइट सी ये आपको रूट नज़र आई होगी। तो इसी का दूसरा हम देखते हैं, उसमें भी हमें कुछ ना कुछ रूट्स नज़र आ रही है, जैसे कि ये रूट्स है इसकी, देख पा रहे ये इसकी रूट्स है और ये भी इसकी रूट्स है। तो इसमें भी हमें सक्सेस रिज़ल्ट मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट जो हमें सक्सेस का मिला है वो मिला है हमें कोकोपीट के अंदर। फ्रेंड्स, कोकोपीट जो है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मीडिया होता है। सॉफ्ट मीडिया होने के कारण इसमें रूट्स जो है वो बहुत ही तेज़ी से डेवलप होती है और इसमें मॉइस्चर भी बना रहता है काफ़ी समय तक। मॉइस्चर रहने की वजह से
जो इसकी रूट्स की डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रूट्स निकल करके बाहर आ चुकी है, मतलब कि इस पूरे ग्लास को यहाँ से चीर करके अब बाहर आती है नज़ारे रूट्स। तो ये पूरा रूट्स से भर चुका है और प्लांट भी आप देखो कितना अच्छे से ग्रोथ पे और हेल्दी भी है। और इसी का हम एक और ग्लास उठा के देख लेते हैं, तो इसमें भी आप देख रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा सिर्फ हमें कोकोपीट के अंदर ही रूट्स देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी अच्छी सी रूट है, कटिंग दोनों थोड़ी सी डेड हो चुकी है क्योंकि इनमें भी हमें सक्सेस रिजल्ट मिल सकता था। इसमें जो हमने मटेरियल यूज़ किया था, कुछ हमारे फ्रेंड या कुछ ऐसे बिगनर्स हमारे दोस्त होते हैं जिनको कटिंग लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कौन सा सॉइल मीडिया ले, किस में हमें सक्सेस रिज़ल्ट मिल सकता है, तो दोस्तों आपके साथ मैंने ये मीडिया भी शेयर किया। इसमें हमने 50% गोबर खाद, 50% सैंड और 50% हमने इसमें गार्डन सॉइल ऐड की हुई थी। तो इन सब का हमने लगभग एक ही रेशो रखा हुआ था और तीन मिक्सचर इसमें ऐड किए हुए थे। इसमें कंपोस्ट होने की वजह से, काउडंक मैन्यूर होने की वजह से, गोबर खाद होने की वजह से ज़्यादा हीट हो चुकी थी और ज़्यादा हीट जो रोज़ है उसकी ग्रोथ में, स्टार्टिंग में उनकी कटिंग में उनको नहीं चाहिए होती है। तो यहाँ पे ज़्यादा हीट पड़ने की वजह से इनकी जो कटिंग्स थी वो सारी की सारी जल चुकी थी, डेड हो चुका है। देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख रहे हैं सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इसमें भी यही, और कुछ ग्रास वगैरह उग चुका है खरपतवार, और यहाँ पे इसकी कोई भी रूट्स वगैरह सिस्टम कुछ भी नहीं हुआ, डेड हो चुकी है। ये सिर्फ लीव्स है, मैं आपको खोल के दिखाना चाहता हूँ। ऊपर देख रहे हैं आप लीव अभी भी ग्रीन है लेकिन इस टाइम पूरी जल चुकी है। ये आप देखें इसका जो ऊपर का लीव है ये अभी भी ग्रीन है लेकिन इसकी जो स्टैम्प है ये पूरी की पूरी ब्लैक हो चुकी है। तो ये इस मीडिया के अंदर हमने ज़्यादा काउडंग ऐड किया हुआ था। अब आप अगर बिगनर हैं, आपको कोकोपीट अवेलेबल हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, कोकोपीट सबसे बेस्ट है, उसमें आप कटिंग थ्रू ग्रो किया करें। अगर कोकोपीट ना हो तो आप सेंट में यूज़ कर सकते हैं, सेंट भी आपको देर सवेर रिजल्ट दे देती है, कटिंग आपकी डाई नहीं होती है। अगर आप गलती से काउडंग मैन्योर स्टार्टिंग में ऐड करते हैं तो यही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आप कितनी भी महंगी कटिंग्स लेके आए, कितना भी महंगा पौधा लेके आए, प्लांट लेके आए, अगर आपको ग्रो करने का जो मीडिया है स्टार्टिंग में वो पता ना हो, जिस तरीके से लाइक इस तरीके से कुछ बनाया, तो आपकी कितनी इंपोर्टेड कटिंग्स होती है वो डेड हो जाती है और आप हार जाते हैं कि आपकी कटिंग नहीं ग्रो हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। तो ये रीज़न मैंने आपके सामने सारे रखे हुए हैं। अभी भी अगर आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, और हमने इनको 20-25 दिन जो भी रखा हुआ था वो पॉलीथिन के अंदर, इस तरीके से हमने एक पूरा का पूरा पॉली हाउस बना दिया था जिसमें हवा वगैरह नहीं जा पा रही थी क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और दिन में तो टेम्परेचर लगभग सेम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो ज़्यादा ठंड होने की वजह से हमारी जो कटिंग है वो सर्वाइव कम करती है। तो हम जैसे ही इस पर पॉलीथीन वगैरह कवर करके रखते पूरा और 20 से 25 दिन तक, तो ये इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी तेज़ी से हो जाती है, मतलब डबल हो जाती है। तो आप कोकोपीट के अंदर नेक्स्ट टाइम लगाएं और उनके ऊपर अच्छे से पॉलीथीन कवर कर दें। स्टार्टिंग में आपको वाटरिंग अच्छे से कर देनी है, पानी फुल दे देना है, फिर 20 दिनों के बाद आपको निकाल के चेक करना है कि मॉइस्चर है तो ठीक है, नहीं तो आपको अगेन वाटर करके फिर पॉलीथीन कर देना है। और 45 दिनों के अंदर आपका जो ये ग्लास है ये पूरा का पूरा रूट से भर जाएगा और आपकी जो ये प्लांट के जो लीव है ये पत्ते वगैरह ये भी पूरे बहुत ही ज़्यादा आ जाएंगे। तो इस तरह आप किसी भी कटिंग को लगभग ग्रो कर सकते हैं। मैं पूरा प्लांट आपको खोल के चेकआउट करके दिखा सकता हूँ कि इस प्लांट में क्या रूट सिस्टम बनी है कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, इतनी अच्छी सी रूट डेवलपमेंट हुई है और आप भी इस तरह से ग्रो कर सकते हैं कटिंग्स को। रोज़ कटिंग बहुत ही ईजी है ग्रो करना, हमसे भी स्टार्टिंग में ग्रो नहीं होती थी लेकिन धीरे धीरे हमें सारे मेथड पता चल चुके हैं कि किस में क्या यूज़ करना है, किस मंथ में ग्रो करनी है, कितना वाटर ऐड देना है, सब कुछ हमें पता चलने के बाद ही हम कटिंग को इजीली ग्रो कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई राय सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर।